इस पंडाल में बैठे मनमिंदर सिंह गैसपुरा जी, जो बीडीए रिलायंस के कैंडिडेट हैं, गुरमीत सिंह मुंडिया जी, हरप्रीत जी, मास्टर वीर सिंह जी और ज्ञान सिंह गंगड़ जी, लाभ सिंह पामिया जी, सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, इस आजाद देश के गुलाम लोग हैं हम, और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और उस गुलामी को तोड़ने का मौका हमें बाबा साहब ने अपनी कलम के आधार पर दिया था, लेकिन उस आजादी को आज तक हम तोड़ ना सके। तो मैं बता देना चाहता हूं यहां बैठे हुए अपने भाई और बहनों से कि अगर आजादी इस देश में लानी है तो 2019 का मिशन आपके सर पर है, जो 19 मई को आप लोगों को वो बड़ा मौका मिला है, और उसमें हमारे रिलायंस के कैंडिडेट मनमिंदर सिंह जी यहां के कैंडिडेट हैं। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि साथियों, बाबा साहब का जन्मदिन हम मना रहे हैं, और जिन साथियों ने इसका प्रबंध किया उन साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, और सच्ची जन्मदिन का बधाई तभी है कि जब हम मनमिंदर सिंह जी को पार्लियामेंट के अंदर भेजें और इस देश की आजादी को कायम करें, बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए, जो पूरा देश आज ऐलान के साथ कह रहा है, मीडिया नहीं बोल रहा, लेकिन साथियों फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर यह आ रहा है कि सबसे पहले नंबर पर बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो साथियों, बाबा साहब की कुर्बानी, गुरु रविदास जी की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, साहब श्री कांशी राम जी की कुर्बानी को याद करते हुए हमें आज यहां संकल्प लेना चाहिए कि आने वाली 19 तारीख को हम पूरे पंजाब में जितने भी हमारे लाइंस के कैंडिडेट खड़े हैं उनको जिताकर और बहन कुमारी मायावती का हाथ मजबूत करें, और इस देश के तबे कुचले लोगों के लिए, जिसके लिए बाबा